बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर खोतोलाई के अस्पताल में महिला स्टाफ को लेकर चल रही खींचतान ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है। मामला बड़ा तो ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर पथराव कर दिया। वहीं राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला डाटा ऑपरेटर ने एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया। दरअसल यहाँ की महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर लंबे समय से ग्रामीणों में विवाद चल रहा है। इसे लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमला बोल दिया। उन्होंने महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाने की मांग पर अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया। विवाद बढ़ता देख पुलिस उप अधीक्षक मोटाराम कोदारा बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता और आरएसी के जवानों के साथ गांव पहुंचे। इसी बीच मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने एक कांस्टेबल पर हमला कर उसके साथ धक्का मुक्की भी की। पुलिस जाप्ते ने कांस्टेबल को युवकों से छुड़ाया, साथ ही हमलावरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। इस पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने ग्रामीणों का पीछा किया, लेकिन वो अपने घरों में घुस गए। जानकारी मिली है कि पुलिस के अस्पताल पहुंचने पर यहां की महिला डाटा ऑपरेटर ने गांव से आए प्रतिनिधि मंडल में शामिल सेवानिवृत्त शिक्षक पर स्टूल से हमला कर मारपीट भी की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला, उसके पति और एक अन्य को हिरासत में ले लिया है। गांव वालों ने यह भी बताया कि अस्पताल में कार्यरत महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। ऐसे कर्मचारी और ग्रामीण परेशान हैं। पोखरण क्षेत्र के हितला गांव के अंदर पुलिस कर्मी व गांव वासियों के बीच में हुआ पथराव। पूरी जानकारी देते हुए आपको बता दूं मैं कि पोखरण के हितला गांव के अंदर चिकित्सालय के अंदर चिकित्सक व कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर महिला के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसका आज विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि चिकित्सकों ने चिकित्सक का तालाबंदी कर दी थी, जिसको लेकर संपूर्ण ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन चिकित्सालय के सामने किया था, जिसको लेकर पोखरण से पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा था। वहाँ पहुँचने के बाद समझे इसके कुछ पुलिस वालों को वहाँ से ग्रामीणों को ने हटाया था, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर दी थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं इन और चिकित्सा कर्मियों के विवाद के दौरान एक गाँव ग्रामवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। पोखरण से किशोर सोलंकी।